आपके चैनल किंग ऑफ एनिमीज के। सो गाइस मेरा नाम है शुभम और आज तुम्हारा भाई लेकर आ गया है एक नया स्पीकर। जैसे कि आपको ये सेट पे देखने मिलता होगा, सो ये है लाइफटेक की तरफ से 20 वॉट एलईडी साउंड। इसके अंदर गाइस काफी सारे फंक्शन दिए हुए हैं, साथ ही में ये वाले स्पीकर को आप जो है टैबलेट, पीसी या फिर स्मार्टफोन और भी अदर डिवाइस में सिंपल सा आप इसको यूज कर सकते हो। बाय द वे ये वाला स्पीकर को मैंने परचेस किया था अमेज़न से, लगभग 1500-1600 में मैंने इसको बाय कर रखा था। बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप सिंपल से जाकर वहां पर जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही में तुम्हारा भाई बताने वाला है कि इसकी बेस क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और भी अदर फीचर्स कैसे हैं और ये आपको लेना चाहिए या फिर स्किप कर देना चाहिए। सो चलते हैं फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स कंटेंट के अंदर से हमें क्या क्या चीज देखने मिल जाता है। So, इधर आपको पहला मिल जाता है मैनुअल इंस्ट्रक्शन, दूसरा आपको मिल जाता है यूएसबी चार्जर। गाइस इसके बारे में तो समझ में आता है कि ये आपको यूएसबी चार्जर चार्जिंग के लिए मिल जाता है, बट ये केवल आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है जिसके अंदर आपको यूएसबी प्लस ऑक्स केबल का ऑप्शन देखने मिल जाता है। सो गाइस इसके अंदर आपको ये वाला स्पीकर के अंदर आपको ऑक्स केबल का किधर भी स्लॉट नहीं दिया हुआ है। सो गाइस मुझे लगता है कि ये वाला केबल हमें एक्स्ट्रा देखने मिल जाता है। बाकी इसके अंदर टोटल 3 कलर्स अवेलेबल थे, सो तुम्हारे भाई को ये वाला काफी ज्यादा क्लासिक लगा तो मैंने इसको परचेस कर लिया था। बाय द वे इसके अंदर और भी कलर्स अवेलेबल थे, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। सो अपने अपने कलर्स के अलग अलग प्राइस थे। ये वाला मुझे 1500 में पड़ा है तो दूसरा आपको 1200 में भी मिल सकता है, 1300 में भी मिल सकता है। बाकी अगर इसकी फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में बात करें तो इधर आपको देखने मिल जाता है फ्रंट साइड पे आपको 4 स्पीकर देखने मिल जाते हैं, इधर बीच में आपको लाइफटेक की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऑल ओवर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफी ज्यादा क्लासिक दे रखा है, फुल्ली हमें जो है वुड की बॉडी देखने मिल जाती है, किधर भी प्लास्टिक यूज नहीं किया हुआ है, पूरा का पूरा बॉडी हमें लकड़ी की मिल जाती है। बैक साइड पे हमें 4 रबड़ के ग्रिप देखने मिल जाते हैं, आप इसको इजीली ऐसा रख सकते हो या फिर आप चाहते हो कुछ इसको इस टाइप से भी अपने पीसी, लैपटॉप या फिर अदर डिवाइस पे भी इसको कुछ इस टाइप से इजीली रख सकते हो। सो ये काफी ज्यादा क्लासिक है। बाकी अगर इसके वेट के बारे में बात करें तो आपको 500 ग्राम्स का वेट देखने मिल जाता है। ऑल ओवर जो इसके बिल्ड क्वालिटी का है काफी ज्यादा सही दे रखी है, जैसे कि आपको ये साइड पे देखने मिलता होगा। बाकी अगर इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो आपको ये साइड पे यूएसबी चार्जिंग का स्लॉट देखने मिल जाता है, यूएसबी फ्लैश देखने मिल जाता है, टीएफ कार्ड देखने मिल जाता है। बाकी अगर इसके बटन बॉक्स के बारे में बात करें तो ऑन ऑफ का बटन देखने मिल जाता है, मोड के बटन मिल जाता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड वॉल्यूम कम ज्यादा करने के बटन देखने मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलते फटाफट से इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपल सा एक बटन प्रेस करना है। सो ये हो चुका है फाइनली कनेक्ट। सो चलते फटाफट से इसको कनेक्ट करते हैं अपने स्मार्टफोन से और देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी कैसी है। सो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। काफी ज्यादा क्लासिक दे रखा था। सो इसके बेस गाइस मुझे बहुत ज्यादा सही लगा। मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम परचेस किया था तो गाइस मुझे नहीं लगा था कि इसके अंदर इतना अच्छा बेस होगा, बट इसके अंदर एकदम से क्लासिक बेस देखने मिल जाता है। अगर आप बेस लवर हो तो आप आग बंद करके इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। अगर आपके पास भी ये वाला स्पीकर है तो आपको गाइस मालूम होगा कि इसकी बेस
और साउंड क्वालिटी कैसी है। सो साउंड क्वालिटी का मुझे उतना सही नहीं लगा, बट इसके अंदर जो बेस था गाइस काफी ज्यादा क्लासिक देखने मिला होगा। बाकी अगर इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने मिल जाता है, वायरलेस रेंज आपको 10 मीटर का दिया हुआ है, बैटरी कैपेसिटी 2400 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने मिल जाती है, चार्जिंग टाइम के बारे में बात करें तो आपको 2 घंटे चार्ज कर रहे हैं और वर्किंग टाइम गाइस आपको 2 घंटे की मिल जाती है। तो फ्रेंड्स इसकी जो वर्किंग टाइम है वो बहुत ही ज्यादा कम दिया हुआ है, एटलीस्ट 4 से 5 घंटे का तो होना ही चाहिए, बट इसके अंदर जो है आपको 2 घंटे का ही देखने मिल जाता है, वो भी अगर आप जो है 18+ वॉल्यूम नीचे सुनते हो तो गाइस आपको 2 घंटे की चार्जिंग देखने मिल जाती है। सो गाइस ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा क्योंकि जो है बेस काफी अच्छा खासा मिल जाता है, साउंड भी काफी अच्छा खासा मिल जाता है, बट आपको जो है 2 घंटे का ही प्ले टाइम देखने मिल जाता है। सो गाइस आई होप आपको जो है वीडियो काफी ज्यादा सही लगा होगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल ऑप्शन गाइस ऑन कर देना, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे ढेर सारी कूल गैजेट्स और यूजफुल प्रोडक्ट के साथ आता रहता हूं। सो फ्रेंड्स वीडियो करते हैं स्टॉप और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।